योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में फुल फॉर्म में दिखाई देने लगी है। भू माफियाओं और अपराधियों पर तेजी के साथ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। इन सबके बीच जनपद रामपुर में प्रशासन की ओर से समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष उज्जवल दीदार सिंह उर्फ साबी को भी भू माफिया घोषित किया गया है। साथ ही उनके द्वारा कई वर्ष पूर्व कुछ जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। इस मामले में प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर पूर्व जिलाध्यक्ष के कब्जे को बुलडोजर चलाकर हटवा दिया। दरअसल एक बार फिर सूबे में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी हो गई है और फिर से भू माफियाओं और अपराधियों के विरुद्ध पहले से जबरदस्त बुलडोजर की कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। योगी सरकार के पार्ट टू में रामपुर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष उज्जवल दीदार सिंह उर्फ साबी पर प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर जबरदस्त कार्रवाई की है। आरोप है कि उन्होंने अपने रसूल के चलते कुछ पट्टा धारक किसानों की भूमि पर कब्जा जमा रखा था, जिसे बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया गया और इस आराजी को पीड़ित किसान को वापस करा दिया। वहीं खुलासा किया गया है कि पूर्व जिला अध्यक्ष ने 2 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन पर कब्जा जमा रखा था। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि उज्जवल दीदार उर्फ साबी भू माफिया है। इन्होंने करीब 5 एकड़ जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा था। उस जमीन को मुक्त कराया गया है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। बिलासपुर में ये उज्जवल दीदार और साबी है, ये चिन्हित माफिया है। कुल हमारे यहाँ 25 माफिया हैं जिनमें अब तक 8 करोड़ रुपए की रिकवरी कर चुके हैं, 14-1 में जब्ती कर चुके हैं गैंगस्टर में। आज इसका साबी का करीब 5 एकड़ इसने जबरिया कब्जा कर रखा था एक व्यक्ति का, उसको मुक्त कराया गया है। करीब मार्केट वैल्यू उसकी 2 करोड़ की होगी। ये 5 एकड़ जमीन इस माफिया से मुक्त कराई है। ये अभियान चल रहा है, लगातार जारी रहेगा। इस तरह से माफियाओं की कमर तोड़ने का प्रयास रामपुर पुलिस कर रही है, जिससे जन सामान्य में एक भयमुक्त वातावरण होने का मैसेज जा सके। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुल उनके क्षेत्र में 25 माफिया हैं, जिसमें से वे अब तक 8 करोड़ रुपए की रिकवरी कर चुके हैं।